गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल राजू 4400। भाई अभी हम आए हैं हवा महल पर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हवा महल और यहाँ से जाएंगे इसके अंदर। ये सारी हवा महल की बिल्डिंग है, अंदर का व्यू है ये हवा महल का। वो वहाँ से इसका एंट्री गेट है। अभी लेते हैं इसकी टिकट और इसके चलते हैं अंदर। अंदर का व्यू आपको सारा दिखाएंगे, कैसा है हवा महल अंदर से। अभी पार्थ को लगाया हमने टिकट की लाइन में। खुश है, देखो लौंडा पूरा खुश है भाई। अभी हम खड़े हैं भाई हवा महल के बाहर का ये एरिया है और बहुत ही प्यारी छाव है भाई पेड़ों की। उस छाव में हम खड़े हैं अभी यहाँ। अभी करते हैं एंट्री भाई हवा महल के अंदर। अभी हम पहुंचे हैं हवा महल के अंदर और ये यहाँ पर जो पुराना भोजनालय था ये वो जगह है। तो यहाँ पर राजस्थानी कला कुछ ये लोग दिखा रहे हैं। Thank you.
स्टैचू है महाराजा सवाई प्रताप सिंह का, ये आप देख सकते हैं। 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। ये इस महल का पूरा नक्शा है यहाँ पे। इस हवा महल के अंदर टोटल 953 झरोके हैं और काफ़ी ऊंचा है ये। 4 मंजिली इमारत है, आप देख सकते हैं। ऊपर हवा महल का जो मेन गेट है वो श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का है और उसमें 953 झरोके आपको दिखाई देंगे, अभी वो भी आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ से एक मंजिल और ऊपर चलते हैं भाई, ये रास्ता ऊपर जाने का। जो इस महल में झरोके हैं भाई वो इस टाइप के हैं, ये देखो ये जो खुले हुए हैं नीचे देखने के लिए।
बाहर की तरफ के जो झरोके हैं वो भी इन्होंने बंद किए हुए हैं। अभी चलते हैं और ऊपर भी है, यहाँ पर एक दो मंजिल हो रहा है वो भी देख लेते हैं। आए भाई कैसी है वो भी। अभी हम पहुंचे हैं अभी हवा महल के बिल्कुल ऊपर टॉप पर। यहां से आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। ये भी एक झरोका है यहां पे, इसके अंदर से मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया। और ये यहाँ से आपको दिखेगा पूरा हवा महल। अभी चलते हैं यहाँ से वापस नीचे। अभी मैं आ चुका हूँ भाई हवा महल के ग्राउंड फ्लोर पर। ये है भाई हवा महल का जो बाहर, आप मेन रोड से आप हवा महल को देख रहे हैं। ये बाहर का व्यू है हवा महल का, जो इसका एंट्री गेट है वो दूसरी साइड से है।
जो मेन रोड पर इसका बाहर का व्यू है, मेन फ्रंट का, वो ये व्यू। तो अभी हम जा रहे हैं भाई अपने होटल की तरफ, और जो भी भाई मेरा व्लॉग देख रहा है अभी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ताकि मेरे आने वाली जो भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा तब भी भाई मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बंद रहना मेरी अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए जय हिंद।